भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा, भारतीय शस्त्र बिल 2023 के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पहले भारतीय न्याय संहिता में पहले धारा 511 थी, अब उनकी जगह 358 रह गई है। 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है। राजद्रोह को देशद्रोह में परिवर्तन किया गया है। आतंकवाद ऐसे कर्तव्य के रूप में परिभाषित करता है जिसका उद्देश्य देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालना, आम जनता को डराना या सार्वजनिक रूप से व्यवस्था को बिगाड़ना। संगठित अपराध, अपहरण, जबरदस्त वसूली, अनुबंध हत्या, भूमि कब्जा, वित्तीय घोटाले और साइबर अपराध छोटे संगठित अपराध वे हैं जो नागरिकों के बीच असुरक्षा की सामान्य भावना को पैदा करते हैं। ऐसे में 7 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान, जाति या नस्ल पर व्यक्तियों को समूह द्वारा हत्या को 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और मृत्युदंड तक की सजा, नाबालिग से सामूहिक बलात्कार मृत्युदंड, धोखेबाजी तरीके से यौन संबंध में 10 साल तक की धारणा का कठोर जुर्माना किया गया है। इसी प्रकार से मान्यवर, भारतीय नागरिक सुरक्षा में CRPC में पहले 484 धाराएं थी, अब इसकी जगह 531 हो गई हैं। प्रशिक्षणों पीलों की गवाही की रिकॉर्डिंग के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ावा दिया गया है। पुलिस को शिकायत की स्थिति के बारे में 90 दिन में सूचित करना अनिवार्य किया गया है। इसी प्रकार से मामले को वापस लेने से पहले पीड़ित को परामर्श करना अनिवार्य है। न्यायालय द्वारा उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने और सजा सुनाने की अनुमति प्रदान करता है। ईमेल, MSS के मैसेज से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के आधार पर अपराधों का संज्ञान लेने का अधिकार दिया गया है। इसी प्रकार से मृत्यु सजा के मामले में दया याचिका राज्यपाल के पास 30 दिनों के भीतर और राष्ट्रपति के पास 60 दिनों के भीतर देना होगा। आर्थिक अपराधों के आरोपी के मामले में हथकड़ी उपयोग को हटाया, हिरासत के अलावा आरोपी को न्यायिक में पेश करने के समय भी हथकड़ी का प्रयोग, जहां प्लीडर शब्द आया है उसे अधिवक्ता प्रस्तावित होगा। इसी प्रकार से सभापति महोदय, भारतीय शिक्षा बिल इंडियन एविडेंस एक्ट में 167 धाराएं थी, इसकी जगह अब 170 धाराएं, एक मिनट में कर दो, धाराएं बनी हैं। 24 धाराओं को बदलाव किया है, 2 नई उपधाराएं जोड़ी गई हैं, 6 धाराओं को हटाने का काम किया है। साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकृता दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दी गई इन्फॉर्मेशन को भी मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। तो स्पीकर सर, मेरा एक सुझाव है, मैं 2015-16 में हरियाणा में परिवहन आवास जेल मंत्रालय था, मुझे जेलों में जाने का अवसर मिला। तो एक जेल में जब मैं गया तो मैंने एक महिला से पूछा, आप किस केस में आए हो? तो महोदय, उन्होंने बताया कि मैं एक रिक्शा चोरी के केस में आई हूँ और 2.5 साल से मैं जेल में हूँ। माँ, क्यों आपकी अब तक जमानत क्यों नहीं हुई? न बोले, हमारा कोई मुलाकात के लिए नहीं आया, जमानती नहीं आया। तो हमने मोदी जी उसी टाइम जो वहाँ के इस प्रकार से NGO उनको साथ जोड़ा, उनके परिवार को ढूंढा और उनकी जमानत कराई। इस तरह हजारों हजारों केस देश में ऐसे हैं जिनकी मुलाकात नहीं हो पाती। तो मेरा अनुरोध है, तो NGO को साथ जोड़ करके उनको मुलाकात करा के उनकी। श्री सकलदीप, बहुत बहुत धन्यवाद।